आज के पावन अवसर पर, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मानी जाती है। बिल्कुल अरुण, और आज हम जिस म्यूजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रवेश कर चुके हैं, ये तीन हिस्सों में है, भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल, जिसमें कि भूतल में सुभाष चंद्र बोस के प्रारंभिक जीवन और राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई झलकियों को यहाँ पर चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से उनसे जुड़ी हुई तमाम जो यादें हैं, जो बातें हैं, वो आज इस प्रदर्शनी में हैं। प्रधानमंत्री इस समय अवलोकन कर रहे हैं उस संग्रहालय का, जिसमें कि सुभाष बाबू के जीवन को चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। काफी महत्वपूर्ण, सुभाष चंद्र बोस के परिवारजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करते हुए, और इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां मौजूद हैं, ये वो जगह है जहां सुभाष चंद्र बोस की तलवार मौजूद है, जिस तलवार का वो इस्तेमाल किया करते थे, वो टोपी मौजूद है जिन्हें वो पहना करते थे, आजाद हिंद फौज की वो चेकबुक आज भी मौजूद है जिस चेकबुक का फंड्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। आप ये टोपी को देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निहारते हुए। बिल्कुल अरुण, और उनके साथ उनके सहयोगी कैबिनेट में महेश चंद शर्मा भी उनके साथ हैं, और निश्चित तौर से संस्कृति मंत्रालय की इसमें भूमिका है। साथ ही साथ जो ASI है, उन्होंने अपनी इसमें भूमिका अदा की है इस पूरे म्यूजियम के निर्माण करने में। और अरुण, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस म्यूजियम का ऐलान 21 अक्टूबर 2018 को लाल किले से ही कर दिया था। बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की ये बातें कि जिस चीज़ का वो आधारशिला रखते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, और उसी कड़ी में इसको हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के, जो उनका जन्मदिन है, उस दिन उनके जीवन से जुड़ी हुई जो तमाम पहलू हैं, जो झलकियाँ हैं, उनको राष्ट्र के नाम एक ऐसे अनछुले पहलुओं के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि संभवतः अरुण अब तक लोगों ने कम ही देख पाई होंगी। ऋषि, यही न्यू इंडिया की खासियत है। महज शायद 6 महीने का समय भी नहीं बीता है जबकि ऐलान के बाद में आज ये म्यूजियम देश को समर्पित किया जा चुका है, और ये बेहतरीन तरीका है कि किस तरह से डिजिटल माध्यम से जो युवा पीढ़ी है वो समझ सके, जान सके कि आखिर क्या सिद्धांत थे उन महानायकों के, जिन महानायकों ने अपने जीवन को इस देश के लिए एक तरह से बलिदान कर दिया, और साथ ही साथ एक ऐसी गाथा लिखी जिसकी वजह से आज की युवा पीढ़ी, हम सब लोग आज आज़ादी का सही मतलब जान पाए हैं, आज़ादी को हम समझ पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, यही वो खास वजह रही है। बिल्कुल अरुण, और ये हम वो प्रदर्शनी चित्रों के माध्यम से देख पा रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वो चित्र, वो झलकियाँ जो कि कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व और उनके नेतृत्व और उनकी जो दूरदर्शी सोच थी, उनके चेहरे से उजागर होते हुए दिख रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए जो सपना देखा था, निश्चित तौर से अब उस सपने को साकार करने के लिए उस नेतृत्व की जो ज़रूरत थी वो संभवतः अरुण दिखाई दे रही है, क्योंकि देश तभी सशक्त और मजबूत होता है जब कोई नेतृत्व उसे अपनी सोच और अपने विचारों से धार देता है, और ये आकलन करता है कि क्या हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो सपने थे, उनकी जो आकांक्षाएं थी, उनकी जो उम्मीदें थी, वो हम जनता को दे पा रहे हैं। और अरुण, ये बेहद महत्वपूर्ण है, और इस समय हम देख रहे हैं अरुण, प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जो झलकियाँ हैं, उनके जो चित्र हैं, और अरुण देख पा रहे होंगे इस समय हम जो स्थिति है उसको, विद्यालय के दिनों से लेकर आगे की जो राष्ट्रवाद सोच का जो जन्म है उसको हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस ने वकील जानकीनाथ बोस व प्रभावती के घर पर उनके 9वें संतान के रूप में जन्म लिया था। अब एक भरे पूरे परिवार में उनका लालन पालन हुआ। अब कौन ये जानता था ऋषि कि यही बालक की नियति में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप देना शामिल था। अब ये भी काफी महत्वपूर्ण जानना, इतिहास के पन्नों को अगर हम खंगालें तो भारत की आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में और आजाद हिंद फौज के नायक के रूप में यही सुभाष चंद्र बोस जो के जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डॉक्यूमेंट्री को निहार रहे हैं, और आपको बता दें कि ये जो डॉक्यूमेंट्री जो हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और जब
जनता यहाँ पर आएगी तो वो भी इसको निहार सकेगी। और अभिषेक बच्चन जो कि जाने माने फिल्म अभिनेता हैं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री जो तमाम डॉक्यूमेंट्रीज को यहाँ पे बताया गया है डिजिटल माध्यम से पेश किया गया है, उन डॉक्यूमेंट्रीज में उन्हीं का स्वर दिया गया है। बिल्कुल अरुण, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी म्यूजियम को सजीव रूप में प्रदर्शित करने के लिए जो तरीके हो सकते हैं चित्रों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से, श्रव्य के माध्यम से और जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनके माध्यम से, इसमें हमने देखा है कि जगह जगह पर उनको यहाँ पर दिखाया गया है। और अरुण, हम देख रहे हैं कि जो INA से जुड़े हुए जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो इस समय प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री उनके साथ संवाद कर रहे हैं। और जो भी आज INA और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जो बातें हैं, निश्चित तौर से इन सभी के मन में आज हैं कि किस तरीके से जो सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, आज उनके जीवन से जुड़े हुए उन सभी पहलुओं को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। और देश के जो भविष्य हैं, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, आने वाले समय में ये देख पाएंगे इन संग्रहालयों के माध्यम से। क्योंकि अरुण, हम पूर्व में देखते थे कि लाल किले का मतलब सिर्फ चंद दीवारों का दर्शन करना ही होता था, लेकिन अब इस संग्रहालय के माध्यम से हम ये देख पाएंगे कि हमारा जो भारत का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, जो संघर्ष की गाथा है, और कम से कम जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं इस संग्रहालय में पूर्ण रूप से सुरक्षित है, संरक्षित हैं। और इस संग्रहालय के माध्यम से उनके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो देश की जनता अब आसानी से जान पाएगी, समझ पाएगी और देख पाएगी। ऋषि अपने दर्शकों को रूबरू करा देते कि आखिर ये जो संग्रहालय है ये समर्पित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज और उन प्रवासी भारतीयों को जिन्होंने आजाद हिंद फौज में शामिल होकर एक अविभाजित भारत के लिए बलिदान दिया था। यहाँ इस संग्रहालय के विभिन्न कक्षों में सुभाष चंद्र बोस के बचपन से लेकर जब तक वो साइगोन में विमान पर चढ़े तब तक की जिंदगी और योगदान को दर्शाया गया है। इसी प्रकार आजाद हिंद फौज की स्थापना से लेकर उनके वीर सैनिकों पर चलाए जाने वाले मुकदमे तक की गाथा इस फौज के संगठन द्वारा लड़े गए युद्धों, इसके द्वारा उत्पन्न जागृति को भारत में इसकी लोकप्रियता के साथ दर्शाया गया है। अब ये जो प्रदर्शित किया जा रहा है आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जिस सभागार में है वहाँ सुभाष चंद्र बोस और उनके जीवन से पहलू जो जुड़े हुए हैं उनको विस्तार से बताया गया है। और हर जो म्यूजियम है यानी कि हर कक्ष की एक खासियत ये है कि टेक्स्ट के माध्यम से यानी कि जो तमाम लिखित चीज़ों के माध्यम से जिसको फ्लेक्स पर लिख करके बताया गया है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से भी इन चीज़ों को बताया गया है। बिल्कुल अरुण, और ये जो पूरा का पूरा संग्रहालय हम देखते हैं कि जो तीन तल पर है, भूतल और प्रथम तल और द्वितीय तल, इसमें एक सीक्वेंस है कि किस तरीके से आप जैसे जैसे संग्रहालय में आगे बढ़ते हैं नेताजी सुभाष चंद्र से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनका जो जीवन चरित्र है वो आगे बढ़ता है। और अभी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स का जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA से जुड़े हुए हैं। और ये जो बातें हैं ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होता है कि कैसे जो आज़ाद भारत की जो कहानियां हैं वो कैसे आगे बढ़ी। जब हम संघर्ष कर रहे थे, जब हम जूझ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, तब के मतवालों ने किस तरीके से कौन सी सोच और कौन सी दूरदृष्टि जो अपनी जीवन शैली में अपने आप को ढाला और एक संघर्षमय जीवन के जरिए भारत को आज़ाद कराने में जो भूमिका निभाई, अलग अलग तरीके होते हैं अरुण, जिस तरीके से हम देखते हैं भारत की आज़ादी में सबकी सोच अलग अलग थी कि किस तरीके से हो, शांति के माध्यम से हो, क्रांति के माध्यम से हो, लेकिन एक ही सोच थी कि हम भारत को आज़ाद कराएं और एक आज़ाद मुल्क अपनी तरक्की और अपना अमन खुद तय करे। और अभी हम चित्रों को देख पा रहे हैं क्योंकि जीवन से जुड़े हुए हैं जिसमें कि हमने देखा कि उनके परिवार से जुड़े हुए चित्र थे और उन सबको यहाँ पर दर्शाया गया था। और अरुण, अब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब एक दूसरे संग्रहालय की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें कि वो 1800
57 का जो संग्रहालय है, जो वहाँ की जो बातें हैं जिसमें मेरठ क्रांति से लेकर बहुत सारी बातें होंगी अरुण, हम उनको देखेंगे और उसका भी अवलोकन करेंगे। ये दूसरा संग्रहालय है अरुण, और बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जो जीवन की बातें थीं और वो रखी गई, अभी हम देख पा रहे हैं कि ये वो INA से जुड़े हुए वो प्रतीक चिन्ह है जो INA अपनाती थी और उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। हम एक बार फिर से देख पा रहे हैं जो संग्रहालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस से की जो स्मृतियाँ हैं चित्रों के माध्यम से और जो फ्लैग्स हैं उस पर जो जानकारियाँ उकेरी गई हैं उनके माध्यम से, और जो पूरी की पूरी हम स्थिति को अगर हम देखें तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो जीवन था उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे प्रेरणा थी, और ये अब हम देख पा रहे हैं 1914 का ये वो अरुण दृश्य है जिसमें हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिना अपने माता पिता को बताए तीर्थ यात्रा पर निकले थे। बेहद महत्वपूर्ण है, रोचक है, और किस तरीके से एक जो जीवन होता है बचपन से कहीं ना कहीं संकेत दे देता है कि व्यक्तित्व तो किस तरीके का है, और उन्होंने उसी समय ये हरिद्वार से लेकर तमाम जगहों का हमने देखा कि उन्होंने जो है दर्शन और तीर्थाटन किया था। हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी व्यक्ति का, व्यक्ति विशेष का प्रभाव जरूर पड़ता है। इन डिजिटल प्रदर्शनी में जो हम देख पा रहे हैं साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से साफ तौर पर प्रभावित थे और किस तरह से उनके सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। अरुण, हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस तरीके से ICS में सेलेक्ट हुए थे, हमने वो उन चित्रों को देखा, और अरुण एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब दूसरे संग्रहालय की ओर बढ़ रहे हैं जहां वो अवलोकन करेंगे और देश को समर्पित करेंगे उन चीजों को जो 1857 की जो क्रांति थी जिसे हम मेरठ क्रांति के नाम से भी जानते हैं और भारत के प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम है उसके नाम से भी जानते हैं, इन सब चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे और प्रधानमंत्री प्रवेश कर चुके हैं इस संग्रहालय में। कैसे अलग अलग लोग, अलग अलग दल, अलग अलग नेता, अलग अलग क्रांतिकारी एक साथ आते हैं इस क्रांति के लिए, जाहिर तौर पर कैसे तमाम लोग एक साथ आते हैं इस क्रांति को अंजाम देने के लिए जिसने शायद ब्रिटिश हुकूमत को हिला करके रख दिया था। यही वो क्रांति है जिसने नींव रखी थी कि हिंदुस्तान आजाद होकर रहेगा, हिंदुस्तान को आजादी से या आजादी पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये उस संग्रहालय के बारे में तमाम जानकारियां यहाँ पे दी गई है कि किस तरह से जो तमाम नेता है जिसे हम इतिहास के पन्नों में अगर झांक करके देखें तो ऐसे वो अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में शायद इतिहास में नहीं पढ़ा गया होगा या इतिहास किसे भूल ना जाए, उन तमाम लोगों को समेटा गया है, यहाँ समेट करके रखा गया है। इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति के माध्यम से यही मैसेज दिया गया है कि जो युवा वर्ग है किस तरह से सीख सकता है उन अनसंग हीरोज से और उन लोगों से कि आजादी पाने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी। बिल्कुल अरुण, और अब हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं और हम जैसे जैसे इस संग्रहालय और चित्र प्रदर्शनी में आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे कि जो कहानियां हैं, जो इतिहास है उसको यहाँ पर दीवारों पर जो उकेरा गया है, निश्चित तौर से जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए जब वो यहाँ पर आएंगे घूमने के लिए तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। और अब हम जिस तरीके से देखें कि 1857 में जो नारा था दिल्ली चलो, उस नारे को इस तरह इन दीवारों पर उकेरा गया है और इस समय हम उपनिवेशिक जो मनोवृत्ति और जो विस्तार है और उसके लिए जो व्यापार के अधिकार के लिए जो ये जो प्रदर्शनी है अरुण, इसमें दो भाग हैं। एक में हम देख पाते हैं कि कैसे भारत में अंग्रेजों के द्वारा जब वो प्रवेश कर रहे थे तो कैसे उन्होंने याचना के जरिए भारत में प्रवेश किया और कहा कि हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं। ये वही चित्र हैं जिनको कि इस समय प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं और इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे भारत में अंग्रेजी जो ब्रिटिश हुकूमत है उसको एक चालाकी से एक हथियार के रूप में, व्यापार के हथियार के रूप में शुरुआत की गई और बाद में उसको कैसे कैसे जैसे जैसे उनको मौका मिला और उन्होंने भारत पर कैसे कब्जा किया। और यहाँ पर जो मैकाले का जो विवरण है अरुण, मैं आपको बताना चाहूँगा 1935 में उन्होंने जो कहा था कि हम भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहते हैं जो हमारी तरह दिखे तो नहीं लेकिन हमारी तरह सोचे,
ये जो बातें हैं, जब हम देखेंगे कि देश के युवा और बच्चे इन दीवारों पर आकर ये प्रदर्शनी में देखेंगे, तो उन्हें ज़रूर ये पता चलेगा कि कैसे भारत की जो सोच को गुलाम बनाने की जो प्रवृत्ति अंग्रेज़ों ने पैदा की थी उसके बारे में जानेंगे। और निश्चित तौर से अरुण, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो चित्रों के माध्यम से और जो डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से, और यहाँ पर ऑडियो भी सिस्टम दिया गया है जो कि जैसे जैसे हम प्रवेश करते हैं तो उसके बारे में वो चीज़ें सामने लाई जाती हैं। अरुण, ऋषि काफ़ी महत्वपूर्ण है, केवल मंगल पांडे ही नहीं, केवल रानी लक्ष्मीबाई नहीं, ऐसे वो तमाम हीरोज, ऐसे वो तमाम लोग जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, ये तमाम वो हर तरह के मैसेजेस को यहाँ पे लिखा गया है, वो तमाम दृष्टांतों को बताया गया है, वो तमाम एपिसोड्स को बताया गया है जिन्होंने आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप 1857 की जो क्रांति हुई थी वो चरम पर इसलिए पहुंची थी क्योंकि एकजुटता, यानी कि एक मैसेज था कि कैसे लोग यूनाइट हुए, एक साथ आए, एक साथ आने के बाद में जो बगावत की तो बगावत इस प्रकार की कि प्रधान जो तमाम जो लोग हैं वो भी देखते रह गए, जो ब्रिटिश हुकूमत है वो भी देखती रह गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जो ये दूसरा बराक है उसके दूसरे भाग में आते हुए, यानी कि पहले बराक से हमने आपको रूबरू कराया जो कि पूरी तरह से समर्पित है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर, ये जो दूसरा बराक है वो 1857 की क्रांति के ऊपर पूरी तरह से दर्शाया गया है। अब इस जो दूसरा जो ये बराक है इसके दूसरे भाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर अवलोकन कर रहे हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उनमें जो तमाम अनसंग हीरोज जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ वो लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन ऋषि, चूंकि आपने इतिहास को इतना बारीकी से देखा भी है, समझा भी है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी क्या मायने है इतिहास में इसके लिए, किस तरह से इसको देखते हैं? बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री उस हिस्से में रहे, हिस्से पर हैं जिसमें कि मेरठ क्रांति का जिक्र किया गया है, और मेरठ क्रांति अरुण वो क्रांति है जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, और इसमें दिखाया गया है कि कैसे अंग्रेजों ने जो कारतूस के माध्यम से जो भारत की जो सोच को गुलाम बनाने की कोशिश की थी, उनकी पूरी मंशा ये थी अरुण कि हम भारतीयों के जहन से उन चीज़ों को भी निकाल दें जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनकी प्रथाएं हैं, तभी जिसमें कि उन्होंने कारतूस में जो चर्बी प्रयोग की, और इस बात का संभवतः उन्हें अंदेशा नहीं होगा कि उनकी ये जो हरकत है कितना उनके ऊपर भारी पड़ सकती है, और इसी मेरठ क्रांति में वही एक चर्बी वाले कारतूस ने उस क्रांति को एक नया जन्म दिया, और एक ऐसी क्रांति जिससे कि अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, और इस मुश्किल में अंग्रेजों को ये पता चल गया कि भारत के उन चीज़ों को हम नहीं छेड़ सकते जो भारत की मान्यताएं, प्रथाएं, संस्कृतियां हैं, उनको नहीं छेड़ सकते। और उस समय की जो क्रांति है निश्चित तौर से अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था उसको पहला आंदोलन हम कह सकते हैं कि ऐसा आंदोलन जिसने राष्ट्रव्यापी रूप लिया, जिसने पूरे देश को एक राष्ट्र में समेटने का प्रयास किया। और अब हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं अरुण, जो जो ब्लैक एक्ट था, रॉलेट एक्ट, उसके बारे में अभी हमने जिसको देखा, और ब्रिटिश एम्पायर की वो जो कहानियां हैं जो चित्रों के माध्यम से हमारे जो हीरोज़ हैं जिन्होंने संघर्ष किया, और अब देख पा रहे हैं कि इस समय ये जो नक्शा है और जो जो उस समय के जो चित्र हैं अरुण, जिसमें कि किस तरीके से अखबारों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से वो चीज़ें इतिहास में दर्ज हैं जो कि हमारी घटित घटनाएं हैं जिसने कि आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। और जो चित्र देख रहे हैं, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, ये वो नाम हैं जिनका के 1857 के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका थी उसको यहाँ पर चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। और एक ऐसा भारत का चित्र भी अरुण हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि वो एक ऐसा भारत जो अनडिवाइडेड भारत भी था, जो हमारी मजबूती भी थी। और अरुण हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस समय अगले गंतव्य की ओर मुड़ चुके हैं, और इस के दौरान हम देखेंगे कि जो जलियांवाला बाग है उससे जुड़ा हुआ जो संग्रहालय है उस समय प्रधानमंत्री उसमें प्रवेश कर चुके हैं, और इसमें हम देखते हैं कि शुरुआत में ही जलियांवाला बाग की जो पूरी कहानी है अरुण, बहुत ही मार्मिक तरीके से, और उसको जो 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है उसको उसी रूप में उसी तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, और हमें ये महसूस होता है कि हम वहीं पर हैं।
क्या कसूर था उन लोगों का जो अपनी आजादी चाहते थे? क्या कसूर था उन लोगों का ऋषि जो अपनी आजादी चाहते थे? बेवजह ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जनरल डायर, उनके एक कथन पर इतनी गोलियां चली कि भारतीय जो कि अपनी आजादी पर बातचीत कर रहे थे, अपनी आजादी चाहते थे, उस आजादी के लिए उन्हें अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। लेकिन जिन दीवारों को इस समय पर आप देख रहे हैं, इसे यादें जलियां का नाम दिया गया है। यादें जलियां इसलिए क्योंकि इन दीवारों में उन तमाम लोगों का नाम का जिक्र किया गया है जो मारे गए थे, इस एक तरह से शहीद हुए थे जलियांवाला का जो कांड हुआ था उस दिन 13 अप्रैल 1919। सर्दियों में एक तरह से बैसाखी का त्योहार और इसकी धूम जहां एक तरफ मन रही थी। कोशिश तो काफी की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि इस कांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना पता चल सके। फोटोज पर और साथ ही साथ जो प्रेस में अगर लिखा जा रहा था उसको भी काफी दबाने की कोशिश की थी, लेकिन ये इस तरह की घटना थी जो दूर तक गई, काफी दूर तक गई, और जिसने लोगों में रोष भर दिया कि आखिर किस तरह से इन लोगों को मार दिया गया था। बिल्कुल अरुण, और ये ब्रिटिश हुकूमत के लिए भी एक ऐसा काला दिन था जिसने भारत के इतिहास में ऐसी चीज दर्ज कर दी। मुझे लगता है अरुण, संभव ये जो वो दिन था जब भारतीयों ने पूरी तरीके से तय कर लिया था कि अब अंग्रेजों को हम किसी भी हालत में भारत में नहीं रहने देंगे। और न सिर्फ भारत में, अंग्रेज सरकार की जो लोकप्रियता थी वो पूरी तरीके से पूरे विश्व में समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि उनका जो गैर जिसे कहते हैं अमानवीय, जो मानवीय व्यवहार नहीं कहा जा सकता, पूरी तरीके से अमानवीय व्यवहार, निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर, निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मारना, पूरे विश्व में जो अंग्रेज शासन की जो हम कह सकते हैं कि जो निंदा हुई, संभवतः उन्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। और जलियांवाला बाग वो एक घटना थी जिसमें अरुण हम जानते हैं कि एक बालक ने उस समय इस घटना को देखने के बाद अपने मन में ठान लिया था, शहीद उधम सिंह, जिनका कि हम पूरे इतिहास में उनके बारे में पढ़ते हैं, कि उन्होंने कहा था कि मैं डायर को मारूंगा, और उस बच्चे ने जाके वो लंदन में जाके प्रण करके अपना उसको साकार करने की कोशिश की थी। और इस समय हम देख पा रहे हैं अरुण, ये जो रिप्लिका है ये जलियांवाला बाग का, वो दृश्य है जहां पर शहीदों के नाम, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, उनके नाम को उकेरा गया है, उनके नाम को यहाँ पर दीवारों पर अंकित किया गया है। ये वो शहीद हैं जिनका कोई दोष नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में सोच रहे थे, अपने मुल्क के बारे में सोच रहे थे, और उनको अनाथ लोगों पर एक तरीके से ऐसा जो वज्रपात किया गया एक ऐसे शासक के द्वारा जिसने कभी भी किसी भी हालत में अपने आप को लोगों के लिए नहीं बल्कि एक अपनी डिक्टेटरशिप के लिए आगे अपने आप को बढ़ाया। और उसी रूप में आज हम देख पा रहे हैं कि जनरल डायर की जो जो कायराना हरकत थी, आज पूरा देश एक रिप्लिका के रूप में कम से कम लाल किले के अंदर अब उसको आसानी से देख पाएगा। कायराना हरकत थी, जाहिर तौर पर निहत्तों पर वार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर इसी जो संग्रहालय है इसको देख रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में एक पुस्तिका है, यानी कि एक तरह से मैप है। आप जब भी इस संग्रहालय को देखने के लिए आएंगे तो आप इसी तरह की पुस्तिका पाएंगे। ये खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि हर चीज को बारीकी से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अब जिस तरह से टेक्स्ट के माध्यम से हमने देखा, यानी कि अंकित किया गया था टेक्स्ट के माध्यम से, लेकिन अब डिजिटल माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से पूरे जलियांवाला बाग के इंसिडेंट को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। आप जब भी यहाँ रेड फोर्ट में, यानी कि लाल किले में, इस जो संग्रहालय में आएंगे, जो कि एक तरह से जलियांवाला बाग को लेकर के डेडिकेट किया गया है, तो वहां पे इस तरह की प्रदर्शनी हर जो जो बराक है वहां पे लगाई गई। यानी कि एक तरफ आप टेक्स्ट को पढ़ भी सकते हैं और दूसरी तरफ आप डिजिटल माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से उसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे टच स्क्रीन्स को भी लगाया गया है, यानी कि आप जो पुराने लेटर्स हैं, जो चिट्ठियां लिखी गई थी आजादी के दौरान, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या फिर अन्य जो नेता है जिन्होंने चिट्ठियों का आदान प्रदान किया था, जब वो जेल में हुआ करते थे तब चिट्ठियां लिखी थी, उनको डिजिटल माध्यम से भी यहाँ बताने की पूरी कोशिश की गई है। डिजिटली सरलीकरण पर फोकस रहा है इस पूरी प्रदर्शनी का, यानी जो डेटलाइंस होती है, यानी कि किस साल के अंदर क्या घटना हुई थी,
किस साल के अंदर किस घटना की वजह से क्या अंजाम हुआ था, आजादी को पाने में कितना बल मिला था, इन तमाम डेटलाइंस को डिजिटल माध्यम से इस टेलीविजन स्क्रीन पर या फिर जो एलसीडी का पर्दा है इस पर आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके से इस संग्रहालय में न सिर्फ चीजों को प्रदर्शित किया गया है बल्कि उन इतिहास के उन पहलुओं को भी रेखांकित किया गया है जिसमें कि हम ये जान पाए और समझ पाए कि ये अगर घटना हुई तो क्यों हुई। अगर हम मसलन जिक्र करें जलियांवाला बाग की, तो हम जानते हैं कि रॉलेट एक्ट, जो काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेज लेकर आए थे, जिसका के डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर जो किचलू हैं वो विरोध कर रहे थे, और इसको यहाँ पर रेखांकित किया गया है, इसको प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ अरुण यहाँ पर लाल बाल पाल, उनका जिक्र है कि उस समय उनकी क्या भूमिका रही थी और उन्होंने कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, जिसमें कि हम जानते हैं कि लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। इतिहास में लाल बाल पाल के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो इतिहास के छात्र हैं वो लाल बाल पाल के नाम से ही इसको मेमोरीज में रखने के लिए रखते हैं जहन में। लेकिन इसी के दौरान जो अरुण जो विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो 1914 से 1918 का जो वर्णन है वो भी यहाँ पर संग्रहालय में किया गया है, उसको दिखाया गया है। क्योंकि जब हम किसी घटना को, इतिहास की घटना को देखते हैं तो उसके कारणों को भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं को यहाँ पर प्रदर्शनी में पूरी तरीके से समेटा गया है। इतिहास जो कि आमतौर पर छात्रों के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट होता है अरुण, जिसके कि हम देखते हैं कि उनको बोझिल भी कई बार लगता है कि लेकिन जब वो चित्रों के माध्यम से, जैसे कि आपने जिक्र किया डिजिटल माध्यम से, जब वो खुद टच करके देख पाएंगे कि कौन सी चीज़ कब घटना हुई, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा रोमांचक होगा। एक स्टडी में ये पाया गया ऋषि कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं, जिन मूवीज़ को हम देखते हैं, दरअसल वो कहानियाँ हमें आसानी से याद रह जाती है बजाय के जिनको हम पढ़ते हैं। और शायद इस स्टडी के आधार पर इस बात पर फोकस है कि क्यों ना जो तमाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लीडर्स थे जिनकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनके सिद्धांतों की, कि जो हमारा युवा वर्ग है इनके सिद्धांतों पर किस तरह से आगे चल सके, इनकी लेगेसी को कैसे आगे बढ़ा सके। तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन तमाम चीज़ों को डिजिटल, जो एलसीडी टेलीविजन लगाए गए हैं, जो टच स्क्रीन्स हैं, इन टच स्क्रीन के माध्यम से तमाम एपिसोड्स को समझ सकते हैं। यानी कि जो चिट्ठी जिसे आप नहीं पा सकते थे इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पर, उनको आप इन प्रदर्शनी में डिजिटल माध्यम से, एक टच के माध्यम से आप समझ सकते हैं। चित्रों के माध्यम से भी बताया गया, यानी कि चित्र यानी कि पिक्चर्स एंड वीडियोस, ऐसा कहा जाता है पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, यानी कि जो बात हजार शब्दों में नहीं कहे जा सकते वो एक पिक्चर दर्शा देती है। तो उन तमाम चीज़ों को बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 11 अप्रैल 2015 में जब उन्होंने जो नेशनल वॉर के जो हीरोज थे उनको श्रद्धांजलि दी थी, उन झलकियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए, इसराइल का वो चित्र जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइफा में एक तरह से जो वॉर मेमोरियल्स में जो भारतीयों ने जिस तरह से अपनी जीवन की कुर्बानी दी, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे समेटा हुआ वर्ल्ड वॉर मेमोरियल की ये झलकियाँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए। बिल्कुल अरुण, और इतिहास को जानना, समझना और उसको चित्रों के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, और इन सब चीज़ों को जब चर्चाएं होती हैं इतिहास की, इतिहास के जो छात्र होते हैं बहुत गहमा गहमी और गर्मा गर्मी के साथ इन सब चीज़ों को हमने देखा है कई बार छात्र जीवन में, इतिहास के अलग अलग जो चरित्र हैं उनको अपनी अपनी जानकारियों के माध्यम से उसका विश्लेषण करते हैं, उन पर बहस करते हैं, उन पर चर्चाएं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हर इतिहास का छात्र ये जानता है कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो गौरव है, वो हमारा वर्तमान और हमारे आने वाले कल को कहीं ना कहीं इस बात को दिशा देता है कि हमारा जो अतीत है वो कितना शानदार रहा है और कितना संघर्ष में रहा है। और अरुण, अभी हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक अगले कक्ष की ओर बढ़े हैं, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि भारत के नक्शे के उन बिंदुओं पर इसमें नहीं था वो देखा जा रहा है कि जो 1919 की जो घटना थी
उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु थे जिनको कि इतिहास में उकेरा गया है, उनको जाना गया है, समझा गया है, और जो फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। अरुण, हम जानते हैं कि इस इतिहास के बारे में कहा जाता है कि प्ले विद द फैक्ट, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये भी होता है कि जो सत्य है वो सबके सामने आना भी ज़रूरी है। और ये इतिहास की जो झलकियाँ हैं, जो जानकारियाँ हैं, वो इतिहास के छात्र ही नहीं बल्कि आम इंसान भी जानकर गौरवान्वित होता है, और उसको लगता है कि जो भारत का अतीत है और हमारा जो इतिहास का जो संघर्ष है, ख़ास तौर से आज़ादी के इतिहास का संघर्ष है, वो उसको भुलाया नहीं जा सकता है, और उसकी जो कहानियां हैं हर जहन में रहनी चाहिए, और वो जानने और समझने की कोशिश करे कि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं उसकी क्या वजह है, उसके लिए हमारा क्या संघर्ष है। इन चित्रों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि आज़ादी के वो मतवाले जिनके पैरों में हाथों में बेड़ियां हुआ करती थी, वो संघर्ष करते थे एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ जो न सिर्फ मानवता बल्कि किसी भी मानव हकूक को देने के लिए, हक और हकूक को देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उस सत्ता के खिलाफ संघर्ष को लड़ने वाले लोगों को जब हम चित्रों के माध्यम से देखते हैं, और बड़े बड़े चित्रों के माध्यम से जो कि उनके व्यक्तित्व और उनके जो उनकी जो पूरी भावभंगिमाएं हैं, जिनके माध्यम से हम देख पाते हैं कि वो कैसे सोचते थे और कैसे किसी भी संघर्ष के लिए तैयार रहते थे। एक बार फिर से हम प्रदर्शनी में जो ब्लैक डे है, जिसका कि अरुण हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे एक काला कानून था 1919 का, उसको यहाँ पर ये जो जानकारियाँ हैं, फैक्ट्स को यहाँ पर फ्लैक्स पर उकेरा गया है, उनको लिखा गया है। और जिस तरीके से पंजाब में जो घटना थी ख़ासतौर से रॉलेट एक्ट के विरोध में, अरुण, वो पूरे देश में फैली, और जब संघर्ष की बात होती है तो निश्चित तौर से संघर्ष की एक जो क्रांति की जो शुरुआत होती है वो एक घटना पूरे देश में फैलती है। और अरुण, जैसा कि हम जानते हैं कि 1919 के बाद देश में जो आज़ादी का जो आंदोलन था और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा। कहा जाता है ऋषि, कि कई बार सुना भी है कि इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट हिस्ट्री यू नीड टू नो योर हिस्ट्री, अ मैन हु डजंट नो हिज हिस्ट्री कैन नॉट क्रिएट अ हिस्ट्री। और शायद यही वजह है कि इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यादें जलियां का जो ये बराक है जिसे म्यूजियम अब तब्दील कर दिया गया है, इसमें इसका मुआयना करने के बाद में, इसका अवलोकन करने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आर्ट गैलरी है उस तरफ आगे बढ़ेंगे। अब जाहिर तौर पर ये जो तमाम म्यूजियम है ये अपने आप में कुछ ना कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरत है आज इतिहास में झांकने की, अगर न्यू इंडिया को बनाना है उन अंशों से सीखने की ज़रूरत है कि जिस समय जो महान सेनानी थे उन्होंने उस समय में क्या किया जो देश के लिए, जब वो आज़ादी की बात कर रहे थे, जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, एक पल ना लगाया अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, एक पल ना लगाया अपनी जान को गंवाने के लिए, एक पल ना लगाया अपने आप को भारत माता पर अपनी आहुति देने के लिए, अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए। यही वो सैन्य शक्ति थी, यही वो शक्ति थी भारत के पास में, जिसकी वजह से आज की युवा पीढ़ी, मैं, आप, हम सब आज आज़ादी को एक तरह से समझ पा रहे हैं, आज़ादी को जी पा रहे हैं, चाहे वो बेगम हजरत महल हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, या वो अनगिनत, वो अनसंग हीरोज जिनके बारे में शायद इतिहास के पन्ने में कुछ लिखा हुआ है जो इतिहास के पन्नों में खो गए हैं, उन तमाम लोगों को इतिहास के पन्नों से बाहर निकाल कर डिजिटल अंदाज में नई पीढ़ी के साथ कदम करवाते हुए यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। व्हेन मॉडर्निटी ब्लेंड्स विद ट्रेडिशन, यानी कि जब मॉडर्निटी ट्रेडिशन के साथ ब्लेंड करती है, मिल जाती है, तभी इसी तरह का नजारा हमें देखने को मिलता है। ये वो हर एक पल को चित्रों के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से, और जाहिर तौर पर जो तमाम डिजिटल अंदाज में पेश किया गया है, ये अपने आप में बताती है कि एक युवा या फिर कोई भी वर्ग का व्यक्ति जब यहाँ पे मौजूद होगा, यहाँ पर आएगा, तो उन तमाम चीजों को जान पाएगा, सीख पाएगा। हर एक चित्र, हर एक तस्वीर अपने आप में लोगों को प्रेरित करेगी, हर एक चित्र, हर एक वो दृश्य आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको बताएगा, प्रेरित करेगा कि 2022 तक अगर एक नए इंडिया को बनाना है, 2022 तक अगर एक न्यू इंडिया का निर्माण करना है, तो कितना जरूरी है अपने इतिहास को जानना, कितना जरूरी है उन अनसंग हीरोज से सीखना कि किस तरह से वो लड़ गए अपनी भारत माता के लिए।
बिल्कुल अरुण, और अभी हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक ऐसे अगले बैरक की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर हम संभवतः देख पाएंगे कि एक ऐसी प्रदर्शनी जिसमें कि जो समसामयिक चित्रकला थी उसको कौन कौन से ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी कला में समेटा और उसका उसको अपना हिस्सा बनाया। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम आज उस लाल किले के अंदर उन चीजों को देख पा रहे हैं जो किसी समय यहाँ पर एक ऐसे सिर्फ बैरक के रूप में थी, और लाल किले के अंदर वो जगह है जहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के बहादुर सैनिकों पर राजद्रोह का मुकदमा चला था, और यह मुकदमा 5 नवंबर 1945 को शुरू हुआ और 3 जनवरी 1946 तक चला था। और इसी लाल किले के अंदर हमने देखा कि ये वो सैनिक थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देशभक्तिपूर्ण आह्वान पर ब्रिटिश भारतीय सेना को छोड़कर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इसी लाल किले के अंदर ये जो बैरक्स हैं अरुण, हमने देखा कि 3 बैरक के अंदर प्रधानमंत्री इस समय अवलोकन कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा पहले बैरक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA से संबंधित जो संग्रहालय है उसका उन्होंने पहले उद्घाटन किया और उसके बाद उसका अवलोकन किया। उसके बाद उन्होंने विजिट की दूसरे बैरक में, जिसमें कि हमने देखा कि 1857 का जो आंदोलन था उस बैरक में जाकर उन्होंने विजिट किया, और तीसरा जो बैरक था जिसमें कि जलियांवाला बाग का जो कांड था, जो घृणित जनरल डायर का जो आदेश था उसके ऊपर जो घटना घटी उसको कैसे वहां पर एक रिप्लिका के माध्यम से वहां पर बनाया गया है। और पूरी तरीके से अरुण, मैंने भी वहां पर महसूस किया था कि जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो आपको उसकी गरिमा और उसकी जो, जैसे कि हम कहते हैं कि उसकी जो राष्ट्रभक्ति है वो वहां पर हमको महसूस होती है कि जलियांवाला बाग के दौरान जो घटनाएं हुई थी, क्योंकि मैंने अरुण जलियांवाला बाग के वो जगह को भी खुद देखा है। वहां जाके हम देखते हैं कि जब शहीदों को हम नमन करते हैं तो हमारा जो भाव है वो उसी रूप में आता है चाहे वो हम कहीं पर हों, और उसी भाव को यहाँ पर ये जो बैरक्स थे उनमें आज संग्रहालयों के जरिए आज देश को समर्पित किया गया है। अब अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से आखिरी बराक में हैं। ये बराक इसलिए जरूरी है और जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति की क्या भूमिका रही थी आजादी के दौरान, कई सारे जो मशहूर जो लोग थे जो कि आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए थे, नंदलाल बोस हो, राजा रवि वर्मा हो, अविंद्रनाथ टैगोर हो, इन तमाम लोगों ने उस समय योगदान दिया अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी आर्ट यानी कि चित्रकला के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम पेंटिंग्स को देख रहे हैं जो कि राजा रवि वर्मा हो, अविंद्रनाथ टैगोर हो, नंदलाल बोस हो, इन लोगों के माध्यम से इन कविताओं को लिखा गया है, किसी ने जो पेंटिंग्स बनाई है उनको यहाँ पे दर्शाया गया है, और हर चित्र उस समय पर जो बनाया गया था वो अपने आप में एक संदेश देता था, संदेश ये देता था कि कैसे आप आगे हैं। यहाँ पे उन साधनों को भी रखा गया है कि उस समय ना जब मोबाइल फोन्स थे ना टेलीफोन्स थे, उस समय किस तरह से लोग पत्र के माध्यम से गुप्त संदेशों को भेजा करते थे, ऐसे गुप्त संदेश जो कोई और पकड़ ना सके, तो क्या वो माध्यम हुआ करते थे, कैसे आर्ट और पेंटिंग के माध्यम से उन चीजों को वो अंजाम देते थे, इन तमाम चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है कि दस्ताने आप देख रहे हैं उस समय काफी मशहूर हुआ करते थे, इन दस्तानों के अंदर कई बार संदेशों को लेकर के जाया जाता था और मैसेजेस को दिए जाते थे। तो इस तरह की तमाम चीजों को यानी कि आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ ये आखिरी बराक है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका अवलोकन कर रहे हैं। तमाम जो मशहूर उस समय के कवि हो या फिर जो कला और संस्कृति जगत से जुड़े हुए लोग हो, उन तमाम लोगों के जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। बिल्कुल अरुण, इसमें हम देख सकते हैं कि जो 9 आर्टिस्ट हैं जिसको के नवरत्न के नाम दिया गया यहाँ पर, जिसमें कि रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीतनाथ टैगोर, और इसके अलावा राजा रवि वर्मा, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, निकोलस रॉरिक, जामिनी रॉय, सैलोज मुखर्जी, अमृत शेरगिल, इन सब की जो पेंटिंग्स हैं, और इनके अलावा अरुण हमने देखा कि इनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। और इसके माध्यम से हम देख पाते हैं कि हम अगर इस पूरे डिस्क्रिप्शन में जाएं तो इसकी जो संग्रहालय है इसकी शुरुआत में ही
इसके बारे में पूरा वर्णन दिया गया है। और अभी हम देख पा रहे हैं कि राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स हैं और वो यहाँ पर हैं। राजा रवि वर्मा, अरुण, हम जानते हैं कि इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, बड़ी मशहूर हुई और उसको बहुत दर्शकों ने पसंद भी किया। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स की खासियत थी कि उन्होंने समाज के उन पहलुओं को सामने लाया जिनको कि आमतौर पर एक टैबू के रूप में देखा जाता था। आमतौर पर जो आर्टिस्ट उनको छूने की कोशिश नहीं कर पाते थे, कई बार उनकी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को जब सामने लाए और उनकी जो पेंटिंग्स की जो गहराई हुआ करती थी, जो सोच और समझ हुआ करती थी, उसको सभी लोग सराहते थे। कई सारे मुद्दे हावी रहे थे उस दौर में। एक तरफ जहां देश इस दौर में आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, संग्राम कर रहा था, तो ऐसे में जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, कला और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, तो समाज में उस समय जो ऐसी चीजें चल रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे कि छुआछूत एक मुद्दा था, या फिर आप वो भी देख लीजिए जब एक स्त्री को जला दिया जाता था अगर उनके पति, अगर उनका देहांत हो जाता था, इस तरह की प्रथा कई सारी चली थी उस समय पर। तो उस समय पर इन तमाम चीजों को चित्रों के माध्यम से बताया गया और समाज को सोचने पर मजबूर किया गया कि आखिर समाज जिस दौर से आज गुजर रहा है क्या वो सही है, क्या समाज आज वो कर रहा है क्या वो सही है, जिस तरह से छुआछूत की भावना जिस तरह से फैल रही थी उस समय में, उसको किस तरह से लगाम लगाई जा सके, किस तरह से इसे दूर किया जा सके, इन तमाम चीजों को पेंटिंग्स हो या फिर जो आर्ट्स है या फिर जिसे डिजाइन कह सकते हैं, इसके माध्यम से बताया गया था। कुछ जो पेंटर्स हैं जो कि कलर्स का काफी अच्छा खासा प्रयोग करते थे, यानी कि वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल किया करते थे, राजा रवि वर्मा उनमें से शामिल थे, जो वाइब्रेंट कलर्स हुआ करते थे उसको निचोड़ करके वो पेंटिंग्स बनाया करते थे जिससे कि एक बहुत ही तगड़ा मैसेज जा सके। तो कुछ पेंटर्स ऐसे थे जो कि केवल काले और सफेद रंग की पेंटिंग्स के साथ में एक सोशल मैसेज देने की कोशिश किया करते थे। तो हर कला कृति को आप देखें तो हर पेंटर की, हर कलाकार की अपने एक स्टाइल होता है। उन तमाम जो नवरत्नों की बात ऋषि आप कर रहे थे, इन तमाम लोगों को आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया है, इनका जो अपना एक स्टाइल है, अपना एक सिग्नेचर स्टाइल जो है पेंटिंग का, आर्ट का, समाज को मैसेज देने का, तो ये नवरत्नों की खासियत है। ये जो पूरा बराक है ये अपने आप में गूंज रहा है, ये अपने आप में बता रहा है कि अगर समाज को जानना है कि उस दौर में क्या रहा होगा तो आप केवल इन आर्ट से, इन ड्राइंग से, इन जो जो चित्रकारी की गई है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बिल्कुल अरुण, और हम इतिहास में अगर झांके तो हम देख पाते हैं कि इन ये जो कलाकार थे, चित्रकार थे या ये जो कवि थे, इनका देश के सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों और जो वीर सपूत थे उनके साथ भी सामंजस्य था। अगर मैं आपको जिक्र करूं अरुण, हमने इसी प्रदर्शनी में देखा कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस का जो उन्होंने परीक्षा पास करने के बाद जब वो लौट रहे थे तो उस जहाज में रविनाथ टैगोर भी थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि रविनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं और देश के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं विचारों के माध्यम से एक जो देश को दिशा देने की बात है वो जरूर उनके बीच में हुई होगी। और जब हम इस तरीके की एग्जीबिशंस में आते हैं, संग्रहालयों में आते हैं, तो ये जो अनोखी बातें हमें जानने को मिलती हैं कि हमारे जो महापुरुष थे वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ जब जुड़ते थे, एक दूसरे को जानते थे, समझते थे, तो उसको कैसे आगे बढ़ाते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जिनके के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत में एक अलग से एक ऐसा सांस्कृतिक चेतना लोगों में जगाई जिसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो स्थिति बनी आज़ादी के दौरान वो अलग अलग माध्यम से आगे बढ़ी। और अवनींद्रनाथ टैगोर की जो इस समय हम एग्जीबिशंस उनके देख रहे हैं, अलग अलग जिस तरीके से अरुण हम बात कर रहे थे, राजा रवि वर्मा, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, इन सब की जो चित्रकलाएं हैं, जो उनकी आर्ट्स हैं, उनको यहाँ पर इस समय हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं इस समय उन सब चीज़ों को। ये अगर हम देखें अमृत शेरगिल की वो जो पेंटिंग है उसको वो प्रधानमंत्री उसका अवलोकन कर रहे हैं। अलग अलग जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि रंगों के माध्यम से जो ब्लैक एंड वाइट जो उनका जो स्टाइल है उसके माध्यम से, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो धातुएं हैं, धातुओं का प्रयोग है अपनी अपनी पेंटिंग्स में, उसको भी यहाँ पर हमने देख पाए हैं कि कैसे अलग अलग जो चित्रकार है वो
अपनी सोच को अपने अपने माध्यम से, उनके पास जो जो उनका तरीका होता है, हमने देखा है कोई रेत के माध्यम से, कोई कलर्स के माध्यम से, तो कोई जो मेटल है उसके माध्यम से, अलग अलग तरीके से उनका प्रदर्शन होता है। और ये जो शानदार, अगर हम अरुण कहें कि ये जो प्रदर्शनी है, जब यहाँ पर दर्शक आएंगे इस चौथे बैरक में, तो ज़रूर उन्हें ये जानकर अच्छा फील होगा, उनको गौरवान्वित महसूस होगा कि कैसे जो नवरत्न थे भारत की आज़ादी के दौरान, एक जो समकालीन दौर चल रहा था, कि उस समय के जो पेंटिंग और एग्जीबिशन के माध्यम से हम जान रहे हैं उस समय क्या सोच रही थी, और आपने तमाम जिक्र किया उन कुप्रथाओं के बारे में, वो सब चीज़ों को किस तरीके से एक पेंटर अपनी पेंटिंग्स के जरिए उसको अभिव्यक्ति दे रहा था, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। पेंटिंग से क्यों, कवि की बात कर लीजिए। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आप देखिए कि भारतीय सैनिक जो थे उनकी दुर्दशा पर सरोजनी नायडू ने 1915 में अंग्रेजी में एक कविता द गिफ्ट ऑफ इंडिया लिखी थी। अब अंग्रेजी साम्राज्य में विक्टोरिया क्रॉस सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान था, लेकिन अंग्रेजों की भारतीय सेना में 1911 तक भारतीयों को यह सम्मान नहीं दिया जाता था। और शायद इसी व्यथा को सरोजनी नायडू ने कविता के तौर पर द गिफ्ट के अंदर प्रस्तुत किया, और शायद इसका अंजाम यह हुआ कि काफी हलचल मची। तो यह बताता है अपने आप में कि एक कवि, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार समाज में बदलाव लाने का कितना बड़ा काम कर सकता है। अगर एक कवि चाहे तो अपनी कविता के माध्यम से समाज के तमाम पहलुओं को इस तरह से पेश कर देता है जिसे शायद जो व्यक्ति विशेष है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। आज तो ऋषि ट्विटर का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, हर कोई चार पंक्तियां लिख लेता है, लेकिन ये वो दौर में कविताएं लिखी गई थी, ये वो दौर के अंदर पेंटिंग्स को बनाया गया था, आर्ट्स को बनाया गया था, जिस समय शायद सोशल मीडिया एक्टिवेट नहीं था। आप देखिए उस समय पर इन फोटोज ने, इन तस्वीरों ने, इन कविताओं ने, इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ने कितना इम्पैक्ट डाला होगा समाज के ऊपर। जब ये तस्वीरें पहुंची होंगी लोगों के पास तक, संदेश कितना बड़ा और व्यापक गया होगा एक दूसरे के साथ एकजुटता बनाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो जरूरत 1857 की कहिए या फिर आप 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर लीजिए, ये जो पूरा दौर को आप समेटने की कोशिश करें, तो इसमें जो कवि हैं, कवियत्री हैं हमारे जो देश की रही हैं, या फिर आप उन कलाकार की बात कर लीजिए, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसे शायद भुलाया नहीं जा सकता है। और आप आज की तारीख में इन तमाम पहलुओं को समेटने की कोशिश करें तो इस म्यूजियम के अंदर ये तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल अरुण, और अभी हम देख पा रहे हैं कि इन जो चार बैरक्स थे इसमें प्रधानमंत्री अपना अवलोकन कर चुके हैं, वो जा चुके हैं और संभवतः वो अब रवाना हो रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर से आज का जो दिन है वो इतिहास में इस मामले में दर्ज हो जाएगा कि जब लोग इतिहास का अवलोकन करने आएंगे, लाल किला घूमने आएंगे, तो इन बैरक्स में जब वो संग्रहालयों में जाएंगे तो उन्हें ज़रूर अपने भारत की जो इतिहास की गौरवशाली जो परंपरा है, जो 1857 से लेकर हम जो पूरे के पूरे यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको यहाँ पर रेखांकित किया गया है, और एक जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर संग्रहालय में चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है, और प्रधानमंत्री इस समय लाल किले से रवाना हो रहे हैं। अरुण, प्रधानमंत्री तो विदा ले चुके हैं, लेकिन शायद दरवाजे अब खोल गए हैं उन तमाम दर्शकों के लिए जो कि अब जल्द ही इस म्यूजियम का नजारा ले पाएंगे। हम भी यही अपील करेंगे कि ये जो म्यूजियम है इसे जरूर देखा जाए, क्योंकि ये अपने आप में दर्शाता है उन तमाम पहलुओं को स्वतंत्रता संग्राम के, कि किस तरह से हमें अगर अब न्यू इंडिया बनाना है तो हमें उन